2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए IPS स्वतंत्र प्रभार थाना प्रभारी अनमोल जी, उनसे बात करेंगे कि क्षेत्र में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और जो आदर्श आचार संहिता है उसका किस तरीके से पालन कराएंगे। सर, JMD न्यूज में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरा सर सवाल ये कि आदर्श आचार संहिता लग गई है, क्षेत्र में किस तरीके से पालन कराया जाएगा? इसका जो है प्रोफार्मा सब सेट रहता है, सब आचार संहिता की जो है गाइडलाइंस चली रहती है। पुलिस प्रशासन को पहले से ही सारी चीज़ें जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम जिसको बोलते हैं प्रणाली जो है बनी रहती है। तो ऊपर से जो है कमिश्नर सर के DCP सर के आदेश से सारी चीज़ें जो है पहले से ही सेट है। सभी सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन पहले से ही गवर्नमेंट के पास होती है और प्लान बना रहता है। तो कुछ नई बात तो है नहीं, तो उसी हिसाब से चलेगा। हर 2-3 साल में तो इलेक्शन आते ही है, तो उसी हिसाब से इलेक्शन भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन कर लेगा, ये हमें विश्वास है। सर, IPS की पढ़ाई करने के बाद पहला जो है आपको चार्ज एक स्वतंत्र प्रभार थाना प्रभारी के रूप में सचेंडी मिला है, क्या क्या क्षेत्र में अभी आपने समझा और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप कुछ क्षेत्र में अलग करने के लिए प्रयास करेंगे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि होटलों पे ढाबों पे जो है खुले में शराब वगैरह पिलाई जाती है। अभी बीते दिन आपने छापेमारी भी की थी, तो कैसे जनता को सहयोग कर रही है आपके साथ और क्या क्या क्राइम पर आप काम करेंगे और भी ज़्यादा, जिससे कि जनता को और भी पुलिस पर मित्र पुलिस की छवि अच्छी बनी रहे? दोस्तों, ये हिसाब से देखा जाए तो सचिंडी का एरिया जो है ग्रामीण रूरल ज़्यादा है, ऐसे सीरियस क्राइम ज़्यादा हेनस क्राइम जो है उसका रिकॉर्ड ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। जो छोटे मोटे चलते या कुछ चीज़ें कुछ दिन पहले जैसे पकड़ा गया था यहाँ पे सरिया का हो, इथेनॉल का हो, वो चीज़ें एक्चुअली ऑलरेडी बंद हो चुकी है। उस पर जो है इनाम घोषित हो चुका है, जो है अभियुक्त है जेल के पीछे हैं। तो मेन चीज़ यही है कि जो भी दिक्कत हो, छोटी मोटी चीज़ें हो, पुलिस प्रशासन से लोगों को कोई दिक्कत हो या फिर ओवरऑल ही क्राइम से हो, उन सारी चीज़ों पे हम काम करना चाहेंगे। और मेन तो वही इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो, वो पहला फोकस है। और बाकी अगर हेनस क्राइम नहीं तो फिर छोटे मोटे जो भी क्राइम हो सभी हम कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे। मेनली नशीले पदार्थों पर जो है फोकस करने का ट्राई करेंगे और वही जो हाईवे के क्राइम है उस पर भी फोकस रहेगा। सर, क्षेत्रीय जनता से किस तरीके की अपील करेंगे चुनाव को लेकर? वही चुनाव तो होते रहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से करवाए चुनाव और जो है अपना मतदान सब लोग करें और बस इतना ही। ये थे हमारे साथ IPS अनमोल सर, जिन्होंने बताया कि क्षेत्रीय जनता से यही अपील है कि शांतिपूर्वक मतदान हो और शांतिपूर्वक चुनाव निपट जाए, किसी भी अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी तासिफ के साथ दीपक सिंह, JMD न्यूज कानपुर।